राकेश टिकैत ने आज मोदी सरकार के साथ ही एक और बड़ा मोर्चा खोला है। राकेश टिकैत आज हैदराबादी भाईजान के गढ़ हैदराबाद पहुंचे थे और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जमकर जहर भी उगला। ओवैसी को बीजेपी का एजेंट भी बताया, ओवैसी की तुलना एक बेलगाम सांड से कर दी। वहीं ओवैसी यूपी के जौनपुर पहुंचे और टिकैत को उन्हीं की जुबान में जवाब भी दिया। मैं हिंदुस्तान की बेटी, आपको ये बता दूं कि नफरती भाईजान ओवैसी और अय्याशो के अब्बाजान टिकैत के बीच तलवारें खिंच चुकी है। दोनों एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछाल रहे हैं। मैं हिंदुस्तान की बेटी, आपको ये भी बता दूं, यही होता है जब नफरत जीवियों और अराजकता जीवियों के बीच टकराव होता है, मर्यादा की सारी सीमाएं टूट जाती है। नफरती भाईजान पर भड़के अराजकता के अब्बाजान, उसकी जांच कर लेना, उसको बांध के यहीं रखो, उसको हैदराबाद और तेलंगाना से बाहर मत जाने दो, वो वहां पर जाएगा तो बीजेपी की मदद करता है, ये पूरे देश को पता है। ओवैसी ने टिकैत को दिया 440 वोल्ट का झटका। अरे राकेश, जब सी डबल एनआरसी आएगा तो हमारे को परेशानी होगी, तुमको परेशानी नहीं होगी। नफरती भाईजान से भिड़े अराजकता के अब्बाजान। ये तो भाव और भावनाओं से आंदोलन जुड़ा हुआ है, ये वैचारिक क्रांति है और जब भी दुनिया में वैचारिक क्रांति आई उसने परिवर्तन किया है। अरे राकेश, तुम्हारे लिए सी डबल इस्तेमाल हो जाएगा और हमारे लिए एनपीआर एनआरसी का इस्तेमाल होगा। मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नफरती भाईजान असदुद्दीन ओवैसी अब अराजकता के अब्बाजान राकेश टिकैत को बहुत ज्यादा खटकने लगे हैं। दिलचस्प ये है कि दोनों का मकसद हर हाल में बीजेपी को शिकस्त देना है, मोदी सरकार को कमजोर करना है, लेकिन फिलहाल दोनों के बीच मल्ल युद्ध छिड़ गया है। ओवैसी के गढ़ हैदराबाद जाकर टिकैत ने भाईजान की गिरेबान में हाथ डाला तो भाईजान ने यूपी के जौनपुर में टिकैत का पानी उतार दिया। हमें एक चीज और आपको जरूर कह देना चाहिए, क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना में आए, एक आपके यहां का बेलगाम नात वाला सांड जो आपने छोड़ दिया, बीजेपी की मदद करता घूम रहा है, उसको यहीं बांध कर रखो, वो देश में सबसे बड़ी बीजेपी की मदद करता है। और हमने कहा कि जिस तरह किसानों के कानून को वापस ले लिया गया, सी डबल ए के कानून को भी वापस ले लिया चाहिए, तो सबके पेट को दर्द शुरू हो गया, सबके पेट को दर्द शुरू हो गया। अरे राकेश, जब सी डबल ए एनपीआर एनआरसी आएगा तो हमारे को परेशानी होगी, तुमको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम मुसलमान है, तुम्हारे लिए सी डबल ए इस्तेमाल हो जाएगा और हमारे लिए एनपीआर एनआरसी का इस्तेमाल होगा। दरअसल टिकैत और ओवैसी के बीच मोदी और योगी सरकार के विरोध की मैराथन रेस चल रही है। दोनों ने हर हाल में बीजेपी की सरकार नहीं बनने देने का बीड़ा उठाया है। मोदी योगी विरोध की मैराथन रेस जीतने के चक्कर में दोनों एक दूसरे की बक्कल तारने पर उतारू हो चुके हैं।